हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम हाथी बाटा देखने जा रहे हैं दोस्तों। आज हम आपको शेयर कराएंगे हाथी बाटा, जो कि पांडवों के टाइम पे जो वो वहाँ पे साक्ष्य मिले थे। हमारे साथ है पुरातत्व विभाग के अधिकारी आर्कियोलॉजिस्ट श्री नरसलाल मीणा जी। तो हमने यहाँ पर नाश्ता किया है। ये नरसलाल मीणा आर्कियोलॉजिस्ट, ये हमारे यूट्यूबर विक्रम सिंह मीणा। ये ककोड़ बस स्टैंड है। ये हाथीबाटा का प्रवेश द्वार है। अब यहाँ से हम प्रवेश करेंगे हाथीबाटा पे। देखिए यहाँ दूर से देखिए हाथीबाटा का दृश्य कितना खूबसूरत है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ का, देखिए हाथीबाटा पे कुछ लिखा हुआ है पत्थर पे। देखिए हाथीबाटा के बारे में, ये अधिसूचित 1951 में होता जयपुर मंडल के अंदर जो आता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंदर। देखिए दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर मंडल अधिसूचना 1951 के तहत ये आता है भारत सरकार के अंदर में। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको हाथीबाटा ले चलते हैं। देखिए ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम प्रवेश करेंगे इसके अंदर। देखिए ये हमारे प्रोफेसर साहब जो कि अभी लखनऊ है इसकी ड्यूटी। देखिए दोस्तों ये पीलू का पौधा है, देखिए पीलू का वृक्ष बहुत अच्छा है दोस्तों। यहाँ से देखिए हाथीबाटा कितना खूबसूरत, कितनी विशाल प्रतिमा है इसकी हाथीबाटा की। देखिए दोस्तों कितनी विशाल है। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत नजारा है, कितना खूबसूरत बनावट है हाथी की। देखिए ये ककोड़ का हाथीबाटा है, यहाँ खेड़ा गाँव है। इसके बारे में कहा जाता था दोस्तों कि ये हाथी पहले चलता था, लेकिन पता नहीं सत्य है या कुछ और, लेकिन इसके बारे में बताया जाता था कि ये पहले यहाँ से चलता था। इसका पैर एक खंडर भी खंड हो चुका है। देखिए यहाँ से देखिए दोस्तों ये हाथी बाटा है। देखिए कितनी विशाल मूर्ति चट्टान की है, ये एक ही चट्टान से बना हुआ हाथी है दोस्तों। देखिए कारीगर ने कितनी खूबसूरती से बनाया होगा इसका। देखिए ऐसे एक ही चट्टान को काट काट के, देखिए दोस्तों कितनी विशाल प्रतिमा, कितनी खूबसूरत प्रतिमा है हाथीबाटा की। तो चलिए दोस्तों ये तो हाथीबाटा है, और इधर चलते हैं दोस्तों। ये है झील, है एक झील हाथीबाटा की झील। देखिए देखिए दोस्तों इसमें काफी संख्या में लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये झील है दोस्तों, बहुत खूबसूरत झील है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। अब तक कोई भी व्यक्ति इसकी गहराई का अनुमान नहीं लगा सके। बताया जाता है कि ये काफी गहरी है दोस्तों। देखिए पानी कितना नीला नीला हो रहा है। देखिए दोस्तों ये कुछ बना हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ की खूबसूरती बहुत ही शानदार है। देखिए दोस्तों यहाँ का जो नज़ारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कितना शानदार है। यहाँ का नज़ारा देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा है। कोई अनुमान लगा अब तक? खूब लगा लिया अनुमान, लेकिन कोई अनुमान कत्ती अभी तो 2-3 साल मानो या कम से कम 7-7 15 फुट मानो। 15 तो पहले बताओ चाहिए को भाई पहले बहुत गहरी बहुत गाड़ी वे कहता गहरी उड़ान उड़ान कचरा कण कच्चा बचा कुछ देखा गया। तो जो आजकल 200-250 वर्ष पहले आला आदमी भी जाए वो अपना माता पिता दादाजी जी दादाजी वो कह गया वो कह गया माता पिता का ले आ गया, माता पिता ने बेटा पतंग ले आ गया बेटा पतंग मगर हसन का ले आ जो ये होते हैं। तो ये बुर्गी पूरी बुर्गी मतलब यार हाँ हिम कचरा बुर्गी ना ऐसा तो फंगा फोड़ा फोड़ के नीचे हाँ बिल तो यार क्या हो जाएगा जय मतलब 12 खटा को बांध नाप देता जिदे भी को छेव नाव जो 7 खटा 12 खटा 7 बजे जो फागड़ी फाटा ये श्यापा हो जाने हाँ ये जो बना 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 बना
भली तो बनी तो और इन कोई को बनायो कारीगर मिस्त्री कोई भी को बनायो या तीन कौन बनायो हां कोई को बनायो कारीगर तो पण कारीगर आवे या में खजे छे कारीगर कौन सा भली तो कोई तो बनायो को नहीं ना कोई तो बनायो जो चैन बनाए जे विधि विधान से बने जो जा गजो जा थोड़ी जो जा वो तो यार मुझे तो बताओ कि पांडव बड़ा है जा तो पांडव पांडव ही बनाए जा यार एक रात के साथ हां कोल पांडव बस एक रात के वही बनाया जी तो ऐसे सुन तो बताओ कि पहली चाल जो यो आती हां नहीं चालियो को नहीं बिल्कुल सही है और यो निकलते गोर को देखूंगी खून ना थोड़ी गोर में देखा ला इंद्र राजा को अठारी को बताओ यो पांच सोना नहीं एक सोन में ये मिला जी जो यानी एक सोन तो एक राज जी जो सवारी हाथी तो वो हाथी की वो हाथी वो हाथी को नाम दिए थे इन ये है हाँ का नाम तो हाथी को ये रावत तो लो ये रावत चाहिए रावत ये रावत ये रावत चाहिए यार मैं देख ली ये कोई नागा बाबा जी आते हो कोई आते हो हाथी ले रहा है ना क्योंकि बाउंड्री में आ गए तो मन ये बताओ एक पहला डी खड्डा हो रहा है वो खाएगा हो रहा है वो जीमन जी में पांडव हां पांडव रसोई खाए अच्छा और वो पत्थर पड़े जुड़े पास में ये तो यूं कोई का चल जाएगा कोई ऐसा कहता बताओ काग रख ले जा दन कांकरा तो आगे गया हो खड़ी ककोड़ का आगे गया ककोड़ का आगे गया पड़े था बीम पड़े बाटा अनगढ़ बाटा पड़े थे कौन और वह धनुष बाण खींचा था ना तीर हाँ हाँ जो एक तो सोच लगा चलाओ में देखो बंजो के बंजो तो वहाँ जा तो बट क्या तो है तो उड़ काई बन रही जवाब काई बने बन सारी काई थी बन गा तो वो तीर तो रह गया धनुष की वाग ली काई बोला जो भाग गया जन हाँ वो जा रही थी वो ये जोड़ी याद आ रही थी और एक जो तो रुप चालो जो और रात को खेलो तो पहले तो हाथी बटा का नाम प्रसिद्ध हाथी खेलो खो चाहे हाथी बटा को खेलो उनका नाम से चालो के कागजा में जाना पहले ऐसे सुनवा माई जी के जो हाथी चाल तो लेकिन कोई और अच्छी गांव की जो उल्टी कट्टी फेर उल्टी तो यो चाल वो बंद कर दियो हां ये तो बात है भाई ध्यान ये रेडियो से ना तो किला का पानो जाने जैसे जो रोटी होती है वो अपने या रोटियाँ से आगे बढ़ने के लिए बताओ कि भाई ये काम जंगल आते जी बाबा जड़े जैसा जड़े जंगल ही जंगल सब होता है ये जैसे तो गाँव से पना कभी कभी भी आओ आज घाटे में तो जो अच्छी का खाना आप कट मर मर जाओ पहले मेहनत को काम दे दे बने आज जीविका बनाओ फिर वहाँ से लगा चो ये पांच पांडव और एक द्रौपदी उन्होंने चिन्ह करके गए थे हमारे ये बाबा है इसने काफी अच्छा इसके बारे में काफी अच्छा है। ये आगे तक जंगली जंगल देखिए दोस्तों यहाँ देखिए
हाथी बाटा काफी विशाल है। अभी इसके नीचे से हम निकल सकते हैं देखे। और ये हमारे नरसी भाई जो स्थान पुरातत्व विभाग में है, तो ये इसका निरीक्षण करने आए आज यहाँ का और पुरातत्विक विभाग में। देखिए दोस्तों खोज कर रहे हैं, ये क्या पता क्या खोज कर रहे हैं। देखिए दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये देखिए ये खड्डे हो रहे हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में ऐसा अनुमान लगाया जाता है, यहाँ के लोग ऐसे बोल रहे हैं। अभी एक बाबा मिला था मुझे, तो बता रहा था कि ये खड्डे नहीं, ये जो पत्थर होते ना खाना खाने की प्लेट वो है। वो बता रहे थे कि पहले पांडव आया था, तो पांडव क्या है यहाँ रुके थे एक रात, तो यहाँ इसमें जो खड्डे दिख रहे ना इसमें उन्होंने खाना खाया था। यहाँ रुक के देखिए ये बने हुए बताया जा रहा है कि इसमें खाना खाया था। देखिए दोस्तों ये जो आप देख रहे हो, देखिए थाली है ये जिसमें पांडव खाना खाया था। अब ये देखिए वो बता रहे कि यहाँ एक नाइट रुके थे पांडव, जिसने ये हाथी भी उसी ने बनाए थे एक रात में। देखिए कितना खूबसूरत है। और ये हाथी जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक ही चट्टान से बना हुआ हाथी है। कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है, इसकी जो कारीगरी सजावटी है कितनी खूबसूरत है। देखिए दोस्तों यहाँ से बहुत खूबसूरत है, बनाने वाले ने बहुत खूबसूरत बताया जा रहा है कि पहले ये हाथी चलने वाला था लेकिन किसी औरत ने उल्टी गट्टी फेर दी, तो ये वही का वही रुक गया। देखिए पता नहीं कि फिर उठा हुआ है, चलने के लिए तैयार था लेकिन क्या पता किसने उल्टी गट्टी फेर दी तो ये वही रुक गया। ऐसा अनुमान है यहाँ के लोगों का, अब पता नहीं क्या सत्य है क्या नहीं। लेकिन हाथी तो है बहुत खूबसूरत। देखिए एक ही चट्टान से बनाया गया है इस हाथी को। और आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें और हमारे चैनल से जुड़िए रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।